स्वागत है आपका माई किचन रेसिपीज़ में। आज मैं आप लोगों के साथ कर्ड करी विथ पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत लोगों को पसंद आती है। इसके लिए मैंने ये आधा कप बेसन लिया है, उसमें ये आधा प्याज मैंने बारीक काट लिया और एक हरी मिर्च। हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक हम इसमें मिला देते हैं। इसके साथ ही एक चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर मिला देंगे, इससे ये तुरंत फूल जाएगी, जल्दी से वेट नहीं करना पड़ेगा। हम पानी की सहायता से इसे एक पेस्ट बना लेते हैं। अच्छी तरह से आप मिलाते रहें इसे और पानी धीरे धीरे ही डालें। ये देखिए, इसको 5 मिनट छोड़ दें रेस्ट करने के लिए। और एक कटोरी मैंने ये दही लिया है, इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाला। उसके साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और यही जो हमारा बेसन पेस्ट है उसे ही हम ऐड कर देते हैं। इसमें अलग से बेसन नहीं डालेंगे और इसे थोड़ा सा आप ग्राइंड कर लें, मिल जाएगा अच्छे से। और ये देखिए हमारा घोल रेडी हो गया है ये 5 मिनट में। और ये हम चेक कर लेते हैं कि ये गर्म है हमारी कढ़ाई कि नहीं, गर्म हो गई है। अब इस पर छोटे छोटे हम पकौड़े तल लेंगे इससे। ये देखिए एकदम ये फूल जाएगी बेकिंग पाउडर के कारण, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि जब ये होगी तब बनाएं। ये देखिए इस तरह से हम फ्राई कर लेते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। बाकी भी आप इसी तरह से फ्राई कर लें। ये देखिए रेडी हो गया है। उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाला और 1 रेड चिली, मेथी दाना, मस्टर्ड सीड्स, जीरा और कुछ कड़ी पत्ते इसमें हम डाल देते हैं। और इसके साथ ही ये जो हमारा कर्ड मिक्सचर है इसे भी हम डाल देते हैं और इसके साथ 1 कप पानी। आपको इसे लगातार चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे, दही फट जाती है। ये देखिए इसके साथ ही मैं रेड चिली नहीं डाली थी, भूल गई थी, अब डाल दें। इसमें बॉयल करते रहें 4-5 मिनट पर, जब ये बॉयल होना शुरू होगा तो अच्छे से इसको बॉयल कर लें। आपने तो बेसन कच्चा रहता है, पानी भी रहेगा, तो ये बॉयल अच्छे से करना है आपको। ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसमें पकौड़ा ऐड कर देते हैं और इसे आप बॉयल मत करें। अब हम कवर बंद करके गैस भी बंद कर देते हैं। 8-10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये रेडी हो गया है खाने के लिए। पकौड़े ने ग्रेवी को सोक कर लिया, फूल गया पूरी तरीके से। आप इंजॉय करें, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।